यांग इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में ही कई विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी आ रही हैं। आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो हाल फिलहाल में जो चीनी अतिक्रमण हुआ था, भारतीय सीमाओं का अतिक्रमण, पीएलए 19 किलोमीटर अंदर तक भारत की जनता में आकर 15 अप्रैल के बाद कई दिनों तक वहां पर रही थी। उसके बाद एक अग्रीमेंट रीच किया गया और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर यथास्थिति की बात की गई, लेकिन लगातार 15-20 दिन तक जो स्थिति बनी रही, दोनों देशों के बीच में तनाव था। मौके से पारुल भाटी की रिपोर्ट इस विरोध प्रदर्शन पर। साफ कहना है कि जो दोहरी नीति चीन की तरफ से है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भले ही वो यहाँ आए हैं, आर्थिक सुधारों से उनका कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सरोकार है तो जो वो घुसपैठ कर रहे हैं वो क्यों किया जा रहा है, जो सुरक्षा का लिहाजा उन्होंने दिया है, सुरक्षा का जो हवाला दिया है वो उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैमरामैन जितेंद्र सिंह के साथ पारुल भाटी, इंडिया न्यूज। चीन के प्रधानमंत्री के दौरे के विरोध में जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया। वेस्ट असेंबली मूवमेंट के कार्यकर्ताओं ने चीन और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में लोगों ने चीन का पुतला भी फूंका। नारेबाजी कर रहे इन लोगों का कहना है कि एक तरफ तो चीन हमारे इलाकों में घुसपैठ करता है और दूसरी तरफ हम उनके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। उसके पुतले जलाए हैं और चाइना के झंडे जलाए हैं। जम्मू कश्मीर में सरहदों के ऊपर जिस प्रकार से चाइना ने अतिक्रमण किया है, हजारों किलोमीटर जमीन हमारे भारत की सरहदों के ऊपर लद्दाख में जम्मू कश्मीर की जमीन को हड़प लिया है, उसके विरोध में आज लोगों ने चाइना के प्रधानमंत्री के पुतले जलाए हैं और चाइना के झंडे जलाए हैं। और हमें इस बात का भी अफसोस है कि भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिस प्रकार से लाल कारपेट के ऊपर प्रधानमंत्री चाइना का स्वागत किया, हम इसका विरोध करते हैं।